दोस्तों अगर आपको चाहिए 20,000 के अंदर में बेस्ट स्मार्टफोन तो ये वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी से बात करेंगे 20,000 के अंदर में आपको कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्मार्टफोन है दोस्तों लेकिन कोई भी काम का नहीं दोस्तों। तो इस वीडियो में आप सभी से बात करेंगे तीन ऐसे स्मार्टफोन जो कि 20,000 के अंदर में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों, एक बार जरूर इस स्मार्टफोन को भी जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें एंड जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर जाके फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दे दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आप जो है 15,000 के अंदर वाला स्मार्टफोन का वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर लिंक मिल जाएगा तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, एंड आपको यहाँ पर 10,000 के अंदर वाला भी मैं वीडियो बनाया हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है उसका नाम है पोको X3 Pro दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और अभी तुरंत लेटेस्ट लॉन्च हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है IPS पैनल के साथ दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप एक डिस्प्ले के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। मेन आता है इस फोन का परफॉर्मेंस जो कि काफ़ी पावरफुल है दोस्तों, काफ़ी पावरफुल, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोलकॉम स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर जो कि काफ़ी पावरफुल है दोस्तों, काफ़ी पावरफुल। अगर आप ये फोन ले रहे हैं तो जरूर ले सकते हैं, परफॉर्मेंस वाइज तो काफ़ी पावरफुल है दोस्तों। अराउंड आपको 6.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर निकल के आ रहा है, तो गेमिंग में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। गेमिंग के लिए आप ये फ़ोन ले रहे तो ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेल्फी कैमरा की बात को तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फोन के साथ देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि कैमरा के लिए भी फ़ोन काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है दोस्तों। बैटरी की बात को तो आपको 5160 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल है दोस्तों। एंड आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। एंड रैम स्टोरेज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों 6GB 128GB स्टोरेज साथ, जो इसका प्राइस है 19,999 यानी कि 20,000 में आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है। फ़ोन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, परफॉर्मेंस वाइज आप ये फ़ोन ले सकते हैं दोस्तों, तो इस फोन को आप एक बार जरूर चेकअप कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फोन आता है उसका नाम है Realme Narzo 30 Pro दोस्तों, जो कि 5G फोन है दोस्तों, काफी अच्छा फोन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले सुपर एमुलेट पैनल के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है दोस्तों। डिस्प्ले काफी अच्छा आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करो तो आपको MediaTek Dimensity 800U का प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। जी दोस्तों ये एक 5G प्रोसेसर है और 20,000 के अंदर में 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात हो जाता है दोस्तों। अगर आप इस फोन में 5G चलाना चाहते हैं तो आराम से चला सकते हैं, परफॉर्मेंस वाइज कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा, डिस्प्ले में कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरा की बात को तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फोन के साथ देखने को मिल जाता है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा बात हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी भी आ जाता है एंड 30 वाट का फास्ट चार्जर भी आ जाता है दोस्तों, तो आप सब एक बार जरूर देख सकते हैं इस फोन के साथ। प्राइस की बात करो तो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ आपको 19,999 में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, तो आप ये फ़ोन को भी एक बार जरूर चेकअप कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फ़ोन आता है उसका नाम है Realme X7 दोस्तों, ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा दोस्तों है। अगर हम इस फोन के डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको 6.43 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है सुपर एमोलेड पैनल के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। एंड बात करो परफॉर्मेंस वाइज तो आपको यहाँ पर वही प्रोसेसर देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 800U यानी कि 5G फोन होने वाला है ये भी, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि मैंने बताया आगे भी। कैमरा की बात करो तो यहाँ पर कैमरा थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है प्राइमरी एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। एंड बात करो सेल्फी कैमरा की तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों ले उसे। अगर मैं बैटरी की बात करूँ आपको 4310 mAh का देखने को मिल रहा है एंड चार्जिंग की बात करूँ तो आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी जल्दी हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ आपको 30 से 40 मिनट में आपका फ़ोन जो है फुल चार्ज हो जाएगा 0 से।
तो बैटरी लेकिन कम है, लेकिन चार्जिंग आपको 15 वाट का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। अगर यहाँ पर मैं प्राइस की बात करूँ तो 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज साथ इस फोन का प्राइस 19,999 है दोस्तों। तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा फोन है दोस्तों, एक 5G फोन भी आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा, सारा सेंसर सभी फोन में देखने को मिलेगा। फोन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, तो आप सब ये देख सकते हैं। तीनों फोन कैसा लगा हमें कमेंट में बता सकते हैं, एक बार जरूर देखें, क्योंकि बेस्ट स्मार्टफोन है 20,000 के अंदर में ये तीनों फोन। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता हूं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ।